आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसा हवाई यात्रा रहती है, कैसा वहाँ का अनुभव रहता है और कैसी फीलिंग होती है। बताइए कि आप बाबा बर्फानी से क्या मांगेंगी? हम बाबा बर्फानी से चाहते हैं कि सब लोग बहुत आराम से आ जाएं वापस घर, खुशी खुशी और अच्छे से दर्शन हो। कभी मौका मिले तो फिर से आना पड़े। अरे फ्लाइट में चढ़ के ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं तो लग रहा है कि मैं पंख मांगूंगी और बादलों के ऊपर सैर करूंगी। आप क्या मांगोगी भाभी? हम तो मांगेंगे आपके लिए पंख। सबकी यात्रा मंगलमय हो और सबको भरतवानी बाबा ढेर सारी खुशियाँ दें और सब खुश रहें, हैप्पी रहें। आप क्या मांगेंगे? दीदी के लिए पंख। कुछ अपने लिए बताइए आप क्या मांगेंगे? नहीं, दीदी के लिए पंख। आप देख हवाई जहाज मांग रहे जी। क्या मांगेंगे भैया? हवाई जहाज से बादल कैसे दिख रहे हैं? और ये रोड दिख रही है, हल्की हल्की रोड, और हम लोग यहाँ बादलों के ऊपर हैं। कैसा अनुभव फ्लाइट का? ये बादल कैसे छोटे छोटे दिख रहे हैं, और यहाँ नीचे रोड दिख रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मैदान है, व्हाइट रेगिस्तान जैसा लग रहा है। अब हमारी फ्लाइट लैंड करने ही वाली है। बहुत अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर नजारा दिख रहा है, पहाड़ों में ठहरे हुए बादल। ऐसा लग रहा है थक गए हैं और पहाड़ों में रेस्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे घर, छोटी छोटी नदियां दिख रही हैं, पहाड़ दिख रहे हैं। नजारा कितना अच्छा लग रहा है। चलो भैया देखेंगे, क्या दिख रहा है उल्टा सीधा? कितना अच्छा लग रहा है। वाओ, कैसे दिख रही है? एक नदी मोटी, एक पतली, बीच से हाईवे है ना। छोटी भाभी कहाँ गई? हेलो गाइस। अरे छोटी भाभी कहाँ? श्रीनगर आ चुके हैं और छोटी भाभी को छोड़ दिए हैं। ये आ गई छोटी भाभी। हाँ, अब छोटे भैया नहीं दिख रहे हैं। छोटे भैया किधर छोड़ दी? पीछे आ रहे हैं भैया, पीछे हैं। भाभी जी आएंगे, भैया दिख तो नहीं रहे। हेलो गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मार दिया जाएगा सारा तुम्हारा टक्कर। फाइनली हम लोग आ गए श्रीनगर। बंद कर।
था हम लोगों का, हवाई जहाज से लगेज भी आ चुका है, हम सभी के बैग मिल गए हैं। अब यहाँ से हम लोग रूम के लिए निकलेंगे। यहाँ हो रही है नंद भाभी की मस्ती। हेलो, अपना लगेज ये क्या है, ये खड़ी है, लाओ लाओ, ये आ गई गाड़ी। अब हम लोग अपने होटल में आ चुके हैं और यहाँ रुकेंगे और यहाँ से ही हरदी में घूमने जाएंगे, यहाँ के स्थानों में, नए नए स्थानों में, और फिर बाबा बर्फानी की यात्रा में। जय बाबा बर्फानी। बोलिए, जय बाबा बर्फानी। नाशपाती का वृक्ष है और इसमें नाशपाती लगे हुए भी हैं, ये देखिए।